नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस। 8 जून के बाद अनलॉक की तरफ बढ़ेगा बिहार, छूट का दायरा बढ़ेगा लेकिन 15 जून तक रह सकती है बंदी से। बिहार में अमीनों की नौकरी पर खतरा, ट्रेनिंग में 10 से कम नंबर लाने वाले हटाए जाएंगे। कोरोना से ठीक हुए लोगों को अब इस बीमारी का खतरा, पटना एम्स में 4 मरीजों का हुआ ऑपरेशन। बिहार में ब्लैक फंगस के मामले बढ़े लेकिन दवा का स्टॉक खत्म, जरूरत पड़ी तो 2 दिन तक करना होगा इंतजार। बिहार में 79 ANM की नियुक्ति का फर्जी आदेश, मामले का हुआ खुलासा। बिहार में कोरोना और ब्लैक फंगस के बाद चमकी बुखार बरपा रहा है कहर, AES से एक और बच्ची की मौत। लॉकडाउन में आम लोगों पर कहर बनकर टूट रही है महंगाई, सरसों तेल के बाद अब हरी सब्जियों के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी। बिहार में ओवरलोडेड गाड़ियों की अब ऑन स्पॉट होगी जांच, लाल बत्ती जलने से मिलेगी जानकारी, तैयारी में जुटा परिवहन विभाग। पंचायतों में नहीं, इस बार प्रखंडों में जमा होंगे शिक्षक नियोजन के आवेदन, जाने दिव्यांगों से जुड़ी जरूरी जानकारी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा भागलपुर के जरदालू आम का सौगात, हर साल भेजी जाती है बिहार सरकार की तरफ से भेंट। बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ी है। कोरोना वायरस की रफ्तार में आई कमी के बाद अब राज्य सरकार लॉकडाउन से धीरे धीरे अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रही है। सरकार ने पिछले दिनों जब लॉकडाउन 4 की शुरुआत की तो उसमें छूट का दायरा बढ़ाया गया था, लेकिन अब 8 जून के बाद सरकार आखिर कौन सा फैसला लेने जा रही है, इस पर सबकी नजरें टिकी है। बिहार सरकार 8 जून के बाद एक बार फिर अनलॉक का दायरा बढ़ाएगी, लेकिन कई सेक्टर में बंदी से 15 जून तक लागू रखी जा सकती है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में अभी लॉकडाउन पूरी तरह खत्म होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया सरकार 8 जून के बाद भी जारी रख सकती है। सरकार ने इसके लिए सभी जिलों के DM को लोकल लेवल पर फीडबैक लेने की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में 8 जून तक फिलहाल लॉकडाउन 4 लागू है। सरकार को इसके पहले आगे यानी 9 जून से बिहार में किस तरह की गाइडलाइन रहेगी, इस पर फैसला लेना है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप इस पर आगे फैसला लेगी, लेकिन मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण सभी जिलों के DM के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सोमवार को इस पर फीडबैक ले सकते हैं। बिहार में नियोजित अमीन और प्रखंडों में बनने वाले आधुनिक अभिलेखागारों को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। ट्रेनिंग के बाद ली गई परीक्षा में किसी भी अमीन को 10% से कम नंबर आएंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। साथ में जिन जिलों में आधुनिक रिकॉर्ड रूम बनने में देरी होगी वहाँ के अधिकारियों को अर्ध शासकीय पत्र यानी कि DO लेटर दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने प्रशिक्षण के बाद परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने वाले अमीनों को शो कॉज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। विभाग के निदेशक जय सिंह ने बताया कि 40% से कम अंक लाने वाले अमीनों की संख्या 75 है, इन सभी से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। 10% से कम अंक लाने वालों को नोटिस देकर पद से हटाने की कार्रवाई की जाएगी, उनकी समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही 10 से 40 के बीच अंक लाने वाले अमीनों को बेहतर करने के लिए एक और बार मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि सर्वे निदेशालय ने नव नियोजित 487 अमीनों को मार्च अप्रैल में प्रशिक्षण दिया था। प्रशिक्षण के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा ली गई थी, इसके बाद अप्रैल में ही उनको 487 अंचलों में पद स्थापित कर दिया गया था। मुख्य सचिव द्वारा निदेशक को निर्देश दिया गया था कि फील्ड में अमीनों द्वारा किए जा रहे कार्यों की निगरानी की जाए। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर अभी थमनी ही शुरू हुई थी कि ब्लैक फंगस और अब एक नई आफत ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीज अब एक नई बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, इसका नाम है गैंग्रीन। यह बीमारी ज़्यादातर पैर, हाथ, पैर के अंगूठे, पैर की उंगलियां और बाह में होती है। इससे शरीर के इन हिस्सों में चमड़ी का रंग बदल जाता है। गैंग्रीन में चमड़ों में कालापन आ जाता है। इस बीमारी में खून का थक्का बन जाता है, जिससे जहां यह बीमारी होती है उस हिस्से में खून की सप्लाई बंद हो जाती है, वहां का टिश्यू डेड हो जाता है। हाई ब्लड शुगर लेवल वाले और जिनकी इम्यूनिटी कम है उन्हें यह बीमारी होने की आशंका अधिक रहती है। फिलहाल एम्स में एक पूर्व CM के परिजन समेत आधा दर्जन लोगों का इस बीमारी का इलाज चल रहा है, इनमें 4 लोगों का ऑपरेशन भी हो चुका है। राहत की बात यह है कि ऐसे मरीजों की संख्या ज्यादा नहीं है। फिलहाल IGIMS में इस रोग का एक भी मरीज नहीं आया है। बिहार में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन मरीजों के लिए दवा का स्टॉक खत्म हो चुका है। पटना में अगर किसी ब्लैक फंगस के मरीजों को अचानक दवा की दरकार हुई तो उसे कम से कम
दो दिनों का इंतजार करना होगा। ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाले लाइपोसोमल एम्फेटेरिसिम बी इंजेक्शन के लिए अब अस्पतालों को इंतजार करना होगा। शनिवार को इस इंजेक्शन के 500 वायल बचे हुए थे, जिसे सिविल सर्जन और 3 अस्पतालों को अलॉट कर दिया गया है। औषधि नियंत्रण विभाग का कहना है कि इंजेक्शन के लिए रिमाइंड भेज दी गई है और नया स्टॉक मंगलवार तक मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि प्रदेश में ब्लैक फंगस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 400 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं और ब्लैक फंगस की वजह से 40 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में दवा की किल्लत से लोगों को परेशानी और बढ़ गई है। शनिवार को बिहार में 21 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 2 मरीजों की मौत भी हुई है। बिहार में A&M की भर्ती का फर्जी आदेश जारी होने का मामला सामने आया है। जालसाजों ने सभी जिलों में 79 A&M की नियुक्ति का फर्जी आदेश स्वास्थ्य निदेशालय के नाम से जारी कर दिया है। यही नहीं, नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थियों के नाम सहित जिलों का आवंटन भी कर दिया है। स्वास्थ्य निदेशालय के ज्ञापांक संख्या 589 डेटेड 27/6/2021 के जारी आदेश में फर्जी नियुक्ति के क्रम में बताया गया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए A&M नर्सिंग के 79 पदों पर नियुक्ति के लिए जिला आवंटन आदेश जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जन को इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर कौशल कुमार ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि असामाजिक तत्व द्वारा 79 A&M की नियुक्ति के लिए जारी आदेश पूरी तरह फर्जी है। इस प्रकार के किसी भी आदेश को उन्होंने खंडन किया है। बिहार में कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस के खतरे के बीच चमकी बुखार भी कहर बरपा रही है। राज्य में चमकी बुखार से एक बच्चे की रविवार को मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने 4 घंटे तक जान बचाने की जद्दोजहद की, मगर सफल नहीं हो सके। अब बिहार में 5 बच्चों की चमकी बुखार से मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक SKMCH के PICU वार्ड में इलाज के दौरान AES पीड़ित बच्चे की मौत हो गई। उसे दोपहर 1:30 बजे के करीब गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। 4 घंटे के बाद भी डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। AES से पीड़ित शिवहर के बेलसर थाना क्षेत्र के मिश्र रौलिया गांव निवासी रंजीत कुमार के 4 वर्षीय पुत्र अजीत कुमार था। बच्चे को डॉक्टर JP मंडल के यूनिट में भर्ती कर इलाज की जा रही थी। पैथोलॉजी रिपोर्ट में बच्चे के ब्लड शुगर काफी कम बताया गया। डॉक्टरों की टीम ने हाइपोग्लाइसेमिया नाम की बीमारी से ग्रसित होने की बात बताई। परिजन ने बताया कि सुबह चमकी बुखार होने पर शिवहर ले गए। चमकी अधिक होने पर डॉक्टर SKMCH भेज दिए। यहां भर्ती कर अजीत का इलाज शुरू की गई। शाम 5:30 बजे के करीब बच्चे की मौत हो गई। बिहार में लॉकडाउन के बीच आम लोगों पर महंगाई की मार लगातार पड़ रही है। पहले सरसों तेल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि और अब हरी सब्जी के बढ़ते दाम ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। यास तूफान और लॉकडाउन में आवक कम होने की वजह से सब्जियों के दाम 3 गुना तक अधिक बढ़ गए हैं। कोरोना काल में लगभग सभी आयोजन ठप है, शादी समारोह भी सीमित हो रहे हैं। इसके बावजूद हरी सब्जियों के भाव काफी बढ़ गए हैं। मिडिल क्लास के लोगों के पहुंच से सब्जियां दूर होने लगी है। पिछले 3 माह के भीतर 1.5 गुना रेट हो गया है। मिडिल क्लास के लोग महंगाई की आग में झुलस रहे हैं। बाजार में झोला लेकर जाने वालों का पसीना छूटने लगता है। कुछ सप्ताह पूर्व टमाटर जहाँ 30 रुपये/5 किलो बिक रहा था, वहीं अब 30 रुपये/किलोग्राम के अधिक भाव बिकने लगा है। राज्य भर में ओवरलोडेड गाड़ियों की जांच ऑन स्पॉट होगी। इसके लिए परिवहन विभाग अगले माह तक 20 पोर्टेबल वे पैड की खरीद करेगा। यह सभी मशीनें कंप्यूटर से जुड़ी होंगी, जिससे कभी भी किसी भी जगह पर ले जाया जा सकता है। इस मशीन की खरीद के बाद ओवरलोडेड गाड़ियों पर और सख्ती बढ़ जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक यह मशीन मोबाइल के तर्ज पर काम करेगी और इसकी निगरानी मुख्यालय से भी करना आसान होगा। मशीन खरीद के बाद विभाग ओवरलोडिंग गाड़ियों को पकड़ने के लिए अभियान तेजी से चलाएगा। NH व SH पर गाड़ियों को पकड़ने में पोर्टेबल वे पैड मशीनें सहयोगी होंगी। इसके लिए परिवहन विभाग अधिकारियों को राजभर में जिम्मेदारी सौंपेंगे कि वे ओवरलोडिंग कर सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की धरपकड़ कर हर माह नियमित करे। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन इस बार पंचायत नहीं बल्कि प्रखंडों में जमा होंगे। शिक्षा विभाग के DPO स्थापना मोहम्मद जमालुद्दीन ने इसके लिए BEO और BDO को निर्देश भेजा है। उन्होंने कहा कि सभी जहां आवेदन लिए जाएंगे वहां रैंप की व्यवस्था की जाएगी। इसका भी निर्देश भेज दिया गया है। DPO ने बताया कि जिले में दिव्यांगों की सीट 168 है। इसकी सूची सोमवार को NIC पर अपलोड कर दी जाएगी। DPO ने कहा कि प्रखंडों में
आवेदन जमा हो जाएंगे। इसके बाद प्रखंड मुख्यालय से उसे पंचायतों के नियोजन इकाइयों में भेजा जाएगा। डीपीओ स्थापना मोहम्मद जमालुद्दीन ने बताया कि दिव्यांग अभ्यर्थी डाक से भी अपने आवेदन प्रखंडों में भेज सकेंगे। डाक के अलावा वह हाथों हाथ जाकर भी आवेदन जमा कर सकते हैं। शिक्षक नियोजन में जिन दिव्यांगों ने पहले आवेदन दिया था वह दोबारा आवेदन नहीं दे सकते हैं। शिक्षा विभाग के निर्देश में कहा गया है कि दोबारा आवेदन करने वाले पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए तय 4% रिक्त पद के अलावा दूसरे कोटि या श्रेणी के रिक्त पद पर विचार नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग के डीपीओ स्थापना मोहम्मद जमालुद्दीन ने शनिवार को कहा कि शिक्षकों की निगरानी जांच के लिए निगरानी से 5630 शिक्षकों के फोल्डर मांगे गए हैं। इन फोल्डर के आने के बाद बाकी बचे शिक्षकों की सूची अपलोड की जाएगी। उन्होंने बताया कि 1 से 2 दिनों में निगरानी से सभी फोल्डर आने की उम्मीद है। महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहित विशिष्ट अतिथियों के लिए अंग की सौगात जरदालू आम की पैकिंग महेशी तिलकपुर के मधुबन नर्सरी में पूरी सुरक्षा के साथ शनिवार को किया गया। प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी दिलीप कुमार सिंह पूरी पैकिंग की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आम की पैकिंग की गई है, जिसे रविवार को विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली बिहार भवन भेजा जाएगा। मधुबन नर्सरी में जरदालू आम आने के पूर्व बगीचे में कृषि विभाग के प्रतिनियुक्त कर्मी के निगरानी में आम की ग्रेडिंग की गई। प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि बगीचा में तुड़ाई के बाद आम की ग्रेडिंग कर मधुबन नर्सरी में भेजा गया। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आम को पुनः ग्रेडिंग की गई। कर्मी मास्क सैनिटाइजर व ग्लव्स लगाकर आम की ग्रेडिंग हुई, इसके बाद पैकेट में पैकिंग हुई। महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित देश के विशिष्ट अतिथियों को अंग की सौगात जरदालू आम को भेजे जाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सप्रेम भेंट बिहार सरकार लिखा हुआ एक पैकेट में 20 ग्रेडिंग किया हुआ चुनिंदा आमों को रखा गया है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।